जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में एक्सप्लोर विद विवेक के साथ। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम किन्हीं नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे एपिसोड्स मैंने अपने चैनल के लिए बनाए हुए हैं। रिसेंटली मैं लद्दाख से होकर के आया। लद्दाख को भी काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद फिर मैं आ चुका हूँ सीधे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से जंगल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप देखेंगे कैसे हम जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हम एक निकले हुए हैं किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत जंगल के बीच में एक छोटे से घर पे इस वक्त हम हैं। आप पीछे घर देख सकते हैं, फौज के एक रूम पे इस वक्त हम हैं। और ये है मेरी सफ़र की गाड़ी, जिस गाड़ी पे मैं सफ़र कर रहा हूँ। और सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर जा करके आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। चैनल पे नया है, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे मीडिया के कर्मचारी पहुँच चुके हैं। कैसन बा, रुको तो आओ। मजा आ गया, पूरा गांव बल्कि आधा गांव सब पहचानते हैं। अरे मैं बोला यही तो खासियत है आपकी। दूर से ही समझ आ जाता है कि हाँ कोई बाबा आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है। कैसे हो? सब बढ़िया। क्या दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे विवेक भाई के, पता नहीं कौन सा एपिसोड है, क्या चल रहा है मुझे बस। और हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। कल रात को मेरा प्लान बना, लेकिन बाबा को मैंने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। सुबह रायपुर से निकलने के लगभग 25-30 किलोमीटर हम रायपुर से बाहर आ गए थे, तब मैंने इनको फोन किया, बाबा आना है। और ये बाबा बड़ा गद्दार है। दरअसल मैं ये सडन प्लान बनाते हैं, मेरे को कुछ बताते नहीं है। अचानक से आधा रास्ता आने के बाद हम तो जा रहे हैं, आप आओ। हाँ। कुछ नहीं जानते, आप आओ। ये प्यार है, ये प्यार तो आ भी गए। चलो बहुत अच्छा लगा। गजब का बात ये है कि हाँ, ये जो जगह है ना, दोनों जगह से एग्जैक्ट दूरी पर है। हाँ, एकदम बराबर है। रायपुर से भी 150 पड़ गया, आपको भी 150। मेरे को थोड़ा ज्यादा पड़ा, 180 के आसपास। हाँ, वो सुनने में आया, टायर वायर भी फाड़ते आ रहे हो। अरे तो अपना व्यूअर, अगर हमारे कोई सिमिलर व्यूअर होंगे तो 100% जा रहे हैं। जब जब बार पार आते हैं तब तब गाड़ी फटती है, टायर फटता है। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं जंगल के अंदर और गाड़ियां तो हम यहाँ तक जैसे तैसे ले आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह की खोज में हम निकल रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है हमारे रूम से, लेकिन यहाँ से आगे वहाँ तक जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो है धस रहा है। लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको। हाँ तो क्या, आगे कैसे जाऊँ मैं? अब रखो पैर। अच्छा, वापस मुड़ गए। सुनो ना, मैं निकालता हूँ। वन शॉट। मेरे ऊपर स्किड करोगे मतलब? आप बता देना, गिरना नहीं है गाड़ी, बस देखते हैं। उस साइड से और पत्थर डाल दो यार, दिखने में समझ नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन फिसल रहा है ना। मेरा तो गाड़ी भी ले दे के चढ़ा वहां पे। पैर तो रखना होगा, नो डाउट पैर तो रखना पड़ेगा। जाऊं फिर? जाओ देखो। यहां तक तो नहीं धसा है। हाँ हो गया। निकालो। नहीं, बुझागिस। तो गाइस, अभी आपने जो देखा ये तो मतलब उस लेवल का नहीं था। ऐसे बहुत से चुनौती, बहुत से कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसी वाटरफॉल की खोज में या किसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों की खोज में। वहां तक गाड़ी गई, लेकिन वहाँ से खींच के निकालना पड़ा और गाड़ी की कंडीशन जो है ख़त्म हो गई। देखिए पूरा मड से लटक चुका है। तो इस जगह पर जाने का जो प्लान है, कुछ समय के लिए ड्रॉप किया जा रहा है। अभी हम जाएंगे कौन सी जगह, देखते हैं। नाम नहीं पता। नाम पता भी होगा तो भी नहीं बताएंगे। ठीक है, हाँ ये नियम है हमारा। चलिए चलते हैं।
यस सो गाइस वी आर बैक विद न्यू लोकेशन। पिछली जो जगह आपने देखी वहां से हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से हमें अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा। फिलहाल अभी भी हम जंगल पे ही हैं और बहुत ही खूबसूरत से शॉर्ट से ट्रैक पे जा रहे हैं। लगभग एक आध किलोमीटर का होगा, एक आध किलोमीटर का ही ट्रैक होगा, शॉर्ट सा सिंपल सा, अनसेन वाटरफॉल के लिए। जी हाँ, देखिए रास्ते यहाँ के। आप जैसे ऐसे जंगलों पे अगर आप आते हैं डेंस फॉरेस्ट में, मेक श्योर आपके साथ एक लोकल बंदा हो जो इस जगह का जानकार हो। और ऐसे जगहों पे एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है जो हमारे हुकुम भाई यहाँ पे दिखाएंगे आपको करके। ये देखिए ऐसा कांटा। ओ शिट शिट, हाँ दोस्तों अभी अभी एनकाउंटर हो गया मधुमक्खी के साथ। मैंने अपना रास्ता बदल लिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। काट दिया गया। अरे मैं कहाँ आ गया, अरे कहाँ गए? रास्ता बदलने के चक्कर में दोस्तों देखिए। ओ बाबा, बाबा आई एम रास्ता भूल गया। जी क्या हुआ सर आपको? आप पीछे इस एंगल पे काटा है पूरा, बहुत सारा ये लाल है ना ये। अच्छा ये मधुमक्खी ने अभी भी डंक मारा। ये वो दतैया था। दतैया था क्या? तो बता रहा हूँ, पूरा सिहरन आ रहा है मेरे शरीर में, क्योंकि एक काटता तो मैं झेल भी लेता। कितना काटा? कम से कम नहीं तो 6 से 7 काटे। मतलब फ्रंट पे भी काटा है यहाँ पे। ओ भाई हाँ दिख रहा है, लाल हो गया। ये देखो इसे मोड़ दो ताकि रास्ता याद रहे कि इसको मैं तोड़ा हूँ। अच्छे से नहीं तोड़ पाया उसको। ओके क्योंकि ऑलरेडी ये रास्ता समझ के लाया था कि मुझे ऊपर चढ़े। दर्द का एहसास हो रहा है अब? दर्द तो जबरदस्त है, गला सूख रहा है। हमारे गाइड साहब बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए पथरीले रास्ते पे हम आ चुके हैं अब। कौन तरफ जाना है वो देखिए, वहां पर देखिए पता नहीं दिख रहा है वो पॉइंट पे, छोटा सा स्टेप आ रहा है पानी का, काफी अच्छा लग रहा है। तो देखो वहां पे, वहां पे हाँ तो उसी टाइप का साथ आगे है यार। यार 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 किनारे से उतरे पानी से। हाँ पानी से उतरे थोड़ा जूता गीला कर ही लेते। हमारे गाइड हमारे चल रहे हैं फिलहाल के लिए, वो हमको छोड़ के चल दें। बाबा हम लोग तो खुसर देंगे। खुसर जाएंगे क्या? हाँ ये यहाँ से। हाँ रखो ना, रखो रखो रखो, ठीक है सही है। मधुमक्खियों के जालों ने अटैक कर रखा हुआ। मधुमक्खी नहीं मकड़ियों के जाले, मकड़ियों मधुमक्खी के जाले रहते तब तक हम लोग हॉस्पिटल में रहते। हाँ जी ये थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ क्योंकि अभी इनको अभी मधुमक्खी ने काटा है। जी और जब भी आप प्राइस वेल के साथ आते हैं तो आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, छोटी सी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। सही है क्यों?
सही है जी। दो दो कैमरा चल रहा इधर जी। हाँ दोस्तों, हम वाटरफॉल के पास आ चुके हैं और इसका अंदाज़ा जो है ना ऐसे नहीं लगाया जा सकता, तो इसके लिए ड्रोन उड़ाना होगा। फिलहाल हमारे पास ड्रोन नहीं है। देखिए पानी, ये सिर्फ यही नहीं है, ये यहाँ से ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं नीचे तक, इसमें पूरा पानी चलता है। जगह बिल्कुल अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, और इसकी खोज करने वाले लोकल विलेजर्स और आप टीम ट्राइबल एंड सी। यस, तो अभी हम जा रहे हैं आपको रक्साहाड़ा दिखाने। जी हाँ, रक्साहाड़ा मतलब पानी पीना पड़ेगा, एक प्रकार का पत्थर होता है। एक्चुअली ये गैस चैम्बर्स जो होते हैं उससे रिसाव हुआ होता है, जिसकी वजह से कुछ पत्थर जो होते हैं पिछले एपिसोड में तो देखे हुए हैं। हाँ, तो आई बटन में लिंक डाल दो, आई बटन में देख लो, रक्साहाड़ा को बहुत अच्छे से दिखाया था। तो अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ जंगल का रक्सा। हाँ जी बताओ, क्या चीज़ है रक्साहाड़ा? बटन डिजाइन है उधर, ये है रक्साहाड़ा। का है होती पीछे का रही से कुछ रक्सा छाड़ा के फिर है ओकर हड़ा है। हाँ, ये जो तिलईदार हम पढ़े हुई वाला ना। हाँ ये देखिए, बस ये जो है इसको हाड़ा बोलते हैं, राक्षस का हड्डी, राक्षस हड्डी। और इसको अगर आप जलाएंगे तो इससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। क्यों? ये मेरे को आइडिया नहीं। हाँ गंदा बस साथ है ना, नहीं बहुत काम में गर्मी वर्मी में काम भी देते। कैसे काम देते? आलस वाला से फसकी वसकी हुए थे माला छापे ना। हाँ, तो छोड़ देते। अच्छा। हाँ बहुत काम की चीज है, पुराना राक्षस के हाड़ा है। हाँ, तो एक प्रकार का ये जो आप देख रहे हैं सामने स्ट्रक्चर, ये जो है पोला पत्थर है, मतलब पोला पत्थर पूरा पोला है। हाँ, अंदर कुछ नहीं है, एक्चुअल में गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर। और यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का घाव होता है फोड़ा टाइप का, हाँ जी, हाँ तो उसके इलाज के लिए बढ़िया रहता है ये। तो ये सारी चीजें मेडिसिनल यूज यहाँ के ट्राइब्स बताते रहते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा वाटरफॉल, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही है, पसीना बहुत तेज़ी से निकल रहा है भाई साहब। चलिए आज का ये जो व्लॉग है हम यही पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्लेसेस हम जो हैं एक्सप्लोर करते रहते हैं और करते रहेंगे, तो अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।